नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की नौ दिन भक्ति भाव से आराधना की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। माँ कात्यायनी देवी का रूप बहुत आकर्षक है। इनका शरीर सोने की तरह चमकीला है। माँ कात्यायनी की चार भुजा हैं और इनकी सवारी सिंह है। माँ कात्यायनी के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दूसरे हाथों में वरमुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस कारण माँ कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इससे उनका विवाह जल्दी और अच्छा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद देती हैं। माँ का ध्यान गोधूली बेला यानी शाम के समय में करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी शत्रुओं का नाश कर रोगों से भी मुक्ति दिलाती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा के समय सबसे पहले उठकर स्नान आदि करके माँ कात्यायनी को लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। माता को पीले रंग के पुकड़ों से सजाएं। फिर माता की पूजा बाकी दिनों की तरह ही करें। इस दिन पूजा में दिन शहद का प्रयोग करें। माँ को भोग लगाने के बाद इसी शहद से बने प्रसाद को ग्रहण करना शुभ माना गया है।